गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल व्लॉग वाली। और बहुत गर्मी है, बहुत धूप है और आज रोज़ा है। और आज हम कर रहे हैं इफ्तार पार्टी अपने स्टूडियो पे, और कुछ लोगों को दावत भी दी है। और मैंने सामान वान जो है वो भी ख़रीदने जाना है, बस जा रहे हैं शॉपिंग करने बाहर से। फिर हम क्या क्या बनाएंगे, क्या क्या करेंगे, वह सब आपको दिखाते रहेंगे। और हमको कपड़े भी देने सिलने के लिए, तो चलते हैं। पहले सामान लेते हैं कुछ मार्केट से, कुछ सब्ज़ियाँ वब्जियाँ लेनी है, फिर कपड़े देने हैं और फिर वापस आते हैं स्टूडियो पे। वहाँ पे किचन पे कुछ काम हम करेंगे। आई शो यू एवरीथिंग, स्टे ट्यून फॉर दिस डे। और बहुत मज़ा आने वाला है, फन करेंगे। चलो बाय। हमने आलू प्याज पालक, हाँ ठीक है 10 की दे दो। धनिया पत्ती तो फ्री में दे दोगे, इतना तो बनता है। 150 ग्राम बोल रहे, 30 रुपये। और यहाँ हम टमाटर भी ले रहे हैं। भैया कुछ डिस्काउंट भी दे देंगे हमें। हाँ ठीक है, सब डिस्काउंट में चल दिया मामला, सब डिस्काउंट में चल दिया। हो गया 10 रुपये का, ये भी हो गया। आप दे दो भैया, एक नींबू और एक धनिया पत्ती फ्री दे दो। आपके 15 के आलू हो गए, 20 की प्याज हो गई, हमारा सब्जी का थैला इसके अंदर रखेगा। सो गाइज, मैंने ये सारी चीज़ें ले ली हैं और मैं जा रही हूँ कपड़े अपने फेवरेट टेलर, मतलब तो टेलर क्या बोलेंगे, शी इज़ माई पर्सनल टेलर, वैसे तो शी इज़ माई कुकिंग। तो अब मैं उनको देने जा रही हूँ और रास्ते में कुछ और चीज़ें लेनी है मुझे, हलवा वगैरह बनाने की, तो वो देते हैं, देखते हैं और फिर आएंगे। एंड नाउ वी आर हियर एट दिस शॉप, द शॉप क्या स्टॉल, यहाँ पे ये बचपन की प्यारी प्यारी टेस्टी टेस्टी थी मछली जल्दी रानी है, कलरफुल कॉफी, ये सब कुछ हम यहाँ से लेंगे। मैं मिक्स करके ले रही हूँ, थोड़ी कलर वाले भी डाल दीजिएगा। उधर भी है, अरे वाह कितना टेस्टी लग रहा है यार। और ये वाले कैसे, ये 60 रुपये। ओ ये एक पाव वहाँ पे ले रही हूँ, हो गया। एक्साइटेड और भी बज रहे हैं, असर की नमाज मैंने पढ़ ली है और मैं कुछ चीज़ें रेडी कर चुकी हूँ, वो भी दिखाती हूँ। आज के मेन्यू में हम बनाने वाले हैं प्याज और पालक के पकौड़े, क्योंकि ये इमरान वगैरह का फेवरेट है, वो लोग भी आ रहे हैं। और फिर हमारे आलू के पकौड़े, और इसमें बनाएंगे हम सूजी जो कि पैकेट आ चुका है। यहाँ पे चने बन रहे हैं, फिर चाट कुछ बनेगा, बस रेडी करते हैं चीज़ें, फिर आपको दिखाते रहेंगे अपडेट। और यहाँ पे मैं पालक के पकौड़े में बेसन बनाने जा रही हूँ, यहाँ दूध गर्म कर रही हूँ, उससे मैं सूजी का हलवा बनाऊँगी। ये प्याज के पकौड़े का रेडी आइटम, थोड़ी गंदगी कर दी है, फिर पहले सी वह क्या करते हैं फटाफट। और ये रेडी हो गया हमारा हलवा, जुगाड़ू स्टाइल में हो रहा है, काजू बादाम की कमी है, थोड़ा पर बैठ में बहुत सारा घी डाल दिया मैंने इसमें, इसको निकालते हैं डायरेक्ट सर्विंग प्लेट में। और गाइस ये प्यारे प्यारे जो भी लेकर आई हूँ मैं, अब इसको करेंगे ये देखो क्या साइज है भाई इनका। ओह मजा आ गया, अल्हम्दुलिल्लाह सबसे अच्छी चीज वाली में। गाइस सब लोग आ चुके हैं यहाँ पर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वो देखो अपनी हिजाब लगा रहे हैं, अकबर भी आ चुके हैं यहाँ पर, इफ्तार भी रेडी है, 9 मिनट बचा हुआ है और बहुत मेहनत करी है मैंने। और यहाँ मेरे पकौड़े अभी रेडी हो रहे हैं। इमरान जल्दी से दुआ मांगो, दुआ मांगो इमरान, स्पेशल दुआ या अल्लाह। इमरान को बाजार अजान हो गई, सब रोजा खोलते हुए शरीफ बनते हुए, और हम भी कर लेते हैं। एंड गाइस टुडे इज इफ्तार डिस्ट्रीब्यूशन डे, तो यहाँ पे हम बनाने वाले हैं बहुत सारा आइटम। भाभी चने चढ़ाने वाली हैं, समोसे का रेडी कर रही हूँ, घीमे का पकौड़े बनेंगे, चने वो रहा, बहुत सारी चीज़ें बनने वाली है, लेट्स सी क्या क्या बनता है। और ये प्लेट भी मैं लेकर आई हूँ, देखते हैं किसमें उतारी जाइए। एक ये है, और हमने सोचा है बिल्डिंग और रिश्तेदारों में बांटने का इंशाल्लाह, फिर हमारे भी इसकी और भी जगह पे करेंगे। चलो हमारा जो तेल है, मतलब जो कढ़ाई है वो तो गर्म हो गई है, तो डालते हैं इसमें तेल, तेल दिख देगा मुझे नहीं इसे भाभी। तो यहाँ हमारा जो समोसा का मसाला है वो हो गया है रेडी, जो मैंने यहाँ पे रेडी कर दिया है। और आलू जो है मैं पहले ही मैश कर चुकी थी, तो ये हम अब इसमें डालेंगे।
आलू आ रही है, पापड़ बोनलेस चिकन लाए हैं, फिर हम सोच रहे हैं मोमोज बनाते हैं कुछ टेस्टी सब क्रिस्पी, पसंद आएगा, मज़ा आएगा, क्रेजी राइस क्रेजी। यहाँ पे मोमोज का आइटम मैंने रेडी कर दिया है और ये मैं तो भूल जा रही हूँ मोमोज के लिए, अंडे वगैरह डलते हैं उसमें तो बच्चों बाहर होंगे हम जाएंगे रेडी वगैरह। एंड गाइस सारी मैंने क्लीनिंग कर दी है, ये रहा आटा, आटे को पॉलिथीन में रखा जाता है, ये मैंने अपने रेस्टोरेंट में दिखा था, पानी गर्म करने के लिए रख दिया है, यहाँ पे मैं मैगी बनाऊँगी और ये हमारा स्टफिंग है मोमोज का, चने भी रेडी हो गए तो अब अब स्टार्ट करते हैं, चलो जी स्टार्ट। और गाइस मुझे कुछ नया करने का मन कर रहा था तो मैं ये कुछ पुडिंग बना रही पहली बार बना रही हूँ, जान में सब कुछ पहली बार करने का पता नहीं क्या शौक आता है, मैंने डिब्बे भी रेडी कर दिए या वो भी रेडी कर रहे हैं, स्टीम हो रहे हैं भाई क्रेजी मज़ा आ रहा है। एंड गाइस ये रही मेरी पुडिंग रेडी, इसको भी हम फ्रीज करेंगे, ठीक करके सबको फ्रीज करते हैं और थोड़ी देर बाद मेरी टीम जो है मेरी जो बहन है वो इसको सबको सर्व करेगी। और आज मेरी फलौड़ी बना रही मेरी मम्मी, बहुत ही टेस्टी ट्रेडिशनल, थोड़ा पानी ज़्यादा हो गया था तो पानी हो गया, वैसे भाभी ने समोसे बहुत तगड़े बनाए हैं। और ये मेरे कुरकुरे मोमोज भी जा रहे हैं फ्रीज में स्टोर होने थोड़े डे के लिए। एंड गाइस ये देखिए मीठा भी हमारा जो है, हाँ मीठा भी जो है वो हमारा रेडी हो गया है, लोगों को इंशाल्लाह पसंद है। और गाइस ये देखिए हमारे सारे प्लेट जो हैं वो रेडी हो रहे हैं, ये मेरे बाबू है जो भाभी को थोड़ा परेशान कर रहे हैं, यहाँ पे चटनी भी जा रही है, चटनी के लिए हमने ये वाले बॉक्सेस मंगाए हैं, समोसा मोमोस ये सब कुछ रेडी हो रहे हैं, ओह माय गॉड मजा आएगा, फ्रूट चाट ये रहा ये भी रेडी हो रहा है, पापा लेकर आएंगे। सो गाइस यहाँ पे रेडी हो गया है, ये देखो कितना प्यारा लग रहा है, सारी रेडी हो रही है यहाँ पे, बहुत ही मस्त तरीके से आने वाला है, चार रेडी हो गए, मुस्तफा मम्मी भी लगी हुई, सब लोग लगे हुए हैं, फटाफट देखते हैं हम तो नहीं आ रहे। और ये हो गया प्लेटर रेडी हमारा, पुडिंग मोमोज कुरकुरे मोमोज फ्रूट चाट चना फलौड़े समोसे खजूर पापड़ एंड चटनी रेडी, सब कुछ शुक्र करने वाला बना, या अल्लाह रहीम या अल्लाह करीम, ऐसे है मुकरम से दुनिया में जो जहाँ परेशान है उनके परेशानी को हल कर दे, या अल्लाह रहीम या अल्लाह करीम, ऐसे है मुकरम से। आज इफ्तार डिस्ट्रीब्यूशन कराया और हमारे घर ही इतना टेस्टी इफ्तार आ गया हमारे भाभी के वहाँ से, और भाई साहब इतना स्वाद था और सब कुछ इतना यूनिक डिशेज थी, मज़ा ही आ गया, इट वॉज़ वेरी अमेजिंग डे और बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया हम लोगों ने आज का दिन। इफ्तार का कुछ इफ्तार बना रहे हो, इफ्तार में कुछ कमी ना हो ऐसा हो नहीं सकता, वेयर आई एम गोइंग टू बाई अनदर थिंग। सो हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल, और आज हमारे घर पे हो रही है इफ्तार पार्टी, क्योंकि आज हमारे मज़ा आने वाला है और हम टेरेस पे करने वाले हैं, डेकोरेशन भी होगा बहुत कुछ होगा, अभी मैंने बहुत लेट से शूट किया, आई एम रियली सॉरी फॉर दिस, बट अभी मैं जा रही हूँ कुछ सामान लेने के लिए। और यहाँ आई टुक दिस कॉर्नफ्लेक्स मैदा, क्योंकि हम बना रहे हैं क्रिस्पी चिकन नगेट्स, और भाई बहुत लेट हो रहा है ये मुझे पता है, तो अभी जा रही हूँ मैं फटाफट इसको भाग के। एंड गाइस हम सब आ चुके हैं, ये बॉर्डर पार्टी, और हम प्रॉब्लम तो मैं अभी मिला नहीं आ रहा है, एक्साइटेड यो 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 दादी को लेकर भाई मजा आएगा आज तो, थर्टी फ्लोर तक अभी तक पहुँचे, ज्यादा ही मेकअप हो गया मेरा। और यहाँ पे चल रही है तैयारी, कार्पेट शार्पेट बिछ रहे हैं, ये तो बता दो रमजान के लिए, रमजान के लिए आज कौन सा रमजान है, मेरा पांचवा है, नहीं 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 अभी तो लंबा बिछेगा यहाँ से यहाँ तक का, मेरा पांचवा है क्योंकि कल मैं रोजा नहीं था, मेरा पांचवा है, आपका पांचवा रोजा है, आज रोजा नहीं है, कल नहीं था, इमाम का कोई सा रोजा बस, नहीं है परफेक्ट। झोले में खाने की चीज, अबे खाने की चीजें नहीं डेकोरेशन की चीजें,
किसका सामान है? व्लॉग का सामान है, ये हमारा डेकोरेशन के लिए सामान है। चलो बिछा अपने यहाँ पे कैसा पीते हैं आपको? कैसा लगा इफ्तार पार्टी, कैसा रही बता दीजिए। अच्छा, मजा नहीं आया क्या आपको? सबसे अच्छा क्या लगा? टेस्टी आइटम बता दीजिए, कोई एक आइटम जो आपको पसंद आया। मोमो साई नगेट्स था वो, नगेट्स पसंद आया। और सेटअप कैसा लगा? सेटअप कैसा था? लाइन से फोटो, लाइन से फोटो, फोटो 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 चलाइए। और यहाँ पे गिफ्ट भी मिल रहा है भाई साहब, इफ्तार के बाद वाला गिफ्ट। अरे भाई ये कुछ नया है, आपको भी चाहिए ना गिफ्ट? गिफ्ट सबके हाथों में गिफ्ट, मम्मी के हाथ में भी गिफ्ट। चलो यार देखा। और गाइस पार्टी हो गया ओवर, वी आर गोइंग बैक टू होम। झोले में सारा सामान डेकोरेशन का, ये भी जा रहा है वापस। और बहुत मजा आया, ये भी दिखाएंगे, ये हमें रिटर्न गिफ्ट मिला आज। चलो भाई लेट्स ओपन इट एट द होम। जो भी छोटा सा गिफ्ट तो दिखाया था, लेकिन इसके साथ और भी चीज़ें, तो हम जा रहे हैं घर। एंड गाइस मैं ये आउटफिट पहन के गई थी दावत के लिए, क्योंकि टाइम नहीं मिला था, इसलिए मैं उस वक्त तो वीडियो नहीं बना पाई। और मज़ा आया, वैसे बहुत ज़्यादा मज़ा आया। छत पे लगी भाई बारी थी, और भाई भाभी ने बहुत मेहनत की थी, एंड ऑफ कोर्स हम लोगों ने भी की थी, ऐसा नहीं है। तो बस बहुत सारे लोग आए थे, सब मज़े मज़े में गए, और मैं वो गिफ्ट दिखाती जो भाई भाभी ने दिए। वो भाई ग्रूम का भी बहुत ही मैच हो गया, ये तो बहुत सारे इत्र दिए हैं। ओ माई गॉड, कितनी प्यारी दुआएँ हैं ये सारी, सोने से पहले की दुआएँ। वेन यू आर इनसियर, लॉट्स ऑफ दुआएँ। ये भी गिफ्ट मिला है हमें, ये स्टिकर्स लगाने के लिए, जिसको मैं थोड़ा सा और खोलती हूँ कौन कौन सी दुआएं। यार नाइस गिफ्ट ना, मुझे लगता है कि ऐसे गिफ्ट गिफ्ट जो है आप किसी को दोगे तो वो यूज़ कर पाएगा, मतलब यूजफुल भी है और हेल्पफुल भी है। वाओ नाइस, दुआ बिफोर स्लीपिंग, एक्सपीरियंसिंग फियर और अनरेस्ट ड्यूरिंग स्लीपिंग, रात में नींद नहीं आ रही होता, व्हेन विजिटिंग द सिक, सिख को मतलब जा रहे हो किसी से मिलने, बीमार से मिलने। लैलतुल कद्र की दुआ, वॉशरूम में पानी की पहले की दुआ, बहुत तेज तूफान आ रही है उसके बाद की दुआ, लीविंग द होम, घर छोड़ने की दुआ, भागने की नहीं छोड़ने की, मतलब घर से कहीं जा रहे हो तो भाई तुम भागने की नहीं सोचो। बारिश हो रही है तब की दुआ, फिर आता है जब तुम किसी इंसान से डरो, इसलिए कहते डरा नहीं जाता है। वेन टू सेव वेन इन फियर ऑफ पीपल, लोगों से अगर डरते हो तब ये दुआ पढ़नी है आपको। अपॉन कम्प्लीटिंग द मील, खाना खाने के बाद भूल मत जाना, ये दुआ जरूर पढ़ लेना। फिर आता है सीकिंग फॉरगिवनेस, अल्लाह से माफी मांगने की दुआ, और उनके मर्सी की दुआ, घर में दाखिल होने की दुआ, आस्किंग फॉर हेल्दी आई साइट बॉडी, हाई साइट हियरिंग, आँख कान मुंह सब सही सलामत रहे उसकी दुआ है। डिज़ायर फ्रॉम लाइफ फॉर द नेक्स्ट, अरे बाप रे ये बड़ी अच्छी दुआ है, अगली ज़िंदगी में आपकी जो भी डिज़ायर है उसके लिए दुआ। सो के उठो, भूल मत जाओ, ब्रश करने से पहले दुआ मांगनी है वाली दुआ। फिर आता है अपने माँ बाप के लिए दुआ, ये तो बिल्कुल नहीं मिस करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उनके पैरों के नीचे जन्नत है, माँ के पैरों के नीचे जन्नत है, और बाप के पैरों के नीचे जन्नत का दरवाज़ा, तो दोनों को मिस नहीं करना, दुआ ज़रूर मांगनी। फिर आता है ये आस्किंग फॉरगिवनेस एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम हेल, जहन्नम से बचने की दुआ, इसके लिए तो बहुत ज़रूरत है। और ये नए कपड़े पहनने की दुआ, जो सब लोग याद कर लीजिए, रमजान में जरूर पढ़ना है आप सबको, तो ये बहुत ही यूजफुल दुआएं हैं। और ये रिस्क की दुआ है अल्लाह ताला से, प्योर रिस्क, हलाल रिस्क की दुआ करनी है। और ये ट्रैवल करने की दुआ, जो मेरे बहुत कम है क्योंकि मैं बहुत ट्रैवल करती हूँ एज अ व्लॉगर, तो ये सारी दुआएं जो है वो भाभी ने और भाई ने गिफ्ट दिया हम सबको, इट्स वेरी यूजफुल एंड नाइस। चलो मैं सोच रही व्लॉग यही एंड करूं, बिकॉज दुआ मांगते मांगते अब मैं थक गई लग रहा है, पसीना भी हो रहा है फैन चलाते से पहले तो, और ये फैन भी चला दी, फैन चलाने की दुआ नहीं थी यार, सॉरी। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये प्यारा सा व्लॉग जो बहुत ही मेहनत से बनाया है वो पसंद आ गया हो, तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट कर देना यार, प्लीज कर दो यार, मतलब बात होती है इतना नहीं बोलना पड़ता है, सांस नहीं आ रही भाई, उनको ऑक्सीजन दे दो। अगली वीडियो में मिलूंगी नहीं पता। पागल है क्या, अच्छा बोलना चाहिए।
मेरी बहन डर रही है, ऐसा कुछ नहीं होगा, अल्लाह ताला लंबी उम्र सेहत तंदुरुस्ती के साथ मुझे और हमारी सब लोगों को सबको दें। लगता है अभी पहन नहीं सकते। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए।